हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवर चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट सराउंडिंग अस एंड एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, इट मींस जो भी अपने पास, जो भी आसपास अपने सराउंडिंग, जो भी मैटर्स या जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है? वो एसिड्स होंगे, बेसिस होंगे या सॉल्ट्स होंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज एसिड्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में। सो एसिड जो है, ठीक है, आप किसको बोलोगे? जिनका टेस्ट कैसा होता है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज एसिड्स। ओके, सो एसिड आप किसको बोलोगे जिनका टेस्ट कैसा होगा? सोर। ओके, जो भी सब्सटेंसेस आपके आसपास हैं उनमें अगर जिसका भी टेस्ट सोर है, इट मीन्स सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। ओके, खट्टा। तो जिनका टेस्ट भी क्या है? शोर है। वो सारे सब्सटेंसेस को आप क्या कहोगे? एसिड्स कहोगे। और एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड एसोर से बना है, जिसका मीन भी क्या होता है? शोर। ओके, जिसका मीन क्या हो गया? शोर, इट मीन्स खट्टा। तो अब आप देखना, आपके आसपास तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जिनका टेस्ट क्या है? सोर है। लाइक लेमन, एप्पल, ओके, टोमेटो हो गया, कर्ड जो आप लेते हो वो हो गया, ठीक है। तो ये जो भी आप देख रहे हो जिनका टेस्ट कैसा है? शोर है। तो इन सारी चीज़ों में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इन सब में? एसिड प्रेजेंट है। ओके, इनके सब के आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो ऐसे एसिड जिनमें एसिड कंटेन होता है, इन सबस्टेंसेस, सॉरी, ऐसे सबस्टेंसेस, तो अपन ने देखो जैसे देखा लेमन, टमेटो, इवन शुगर केन में भी एसिड होता है। ओके, तो इन सब के सबस्टेंसेस जो अपन ने लिया, ठीक है, इन सभी सबस्टेंसेज में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। तो अब आप ये बोल सकते हो ना कि जितने भी सब्सटेंस अपने आपके आसपास प्रेजेंट हैं, जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जिनका टेस्ट सोर है या फिर जिनमें एसिड प्रेजेंट है, उन सारे सब्सटेंसेस को आप क्या कहोगे? कैसे सब्सटेंसेस हो गए ये? एसिडिक सब्सटेंस। ओके, सो एसिडिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, उन सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे? एसिडिक सब्सटेंस। अब एसिड जो है, कुछ एसिड से और कुछ एग्जांपल्स अपने यहाँ पे ले सकते हैं। लाइक अपने पास में जो भी फ्रूट्स हैं, लाइक जो भी फ्रूट जिनमें क्या हो, जिनका टेस्ट कैसा होता है? शोर होता है। तो उन सब में देखेंगे अपन, लाइक ऑरेंज, लेमन, ठीक है, तो इन सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। कुछ एसिड्स के अपन यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? सिट्रिक एसिड। ओके, इसी टाइप से अगर आप बात करो जैसे टैमेरिंड हो गई आपकी, ठीक है, टैमेरिंड है, तो टैमेरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ओके, तो टैमेरिंड में कौन सा एसिड हो गया? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। क्या हो गया आपका? टार्ट्रिक एसिड। इसी टाइप से जो एप्पल, एप्पल के बारे में भी मैंने आपको बताया, एप्पल में भी क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, सो अगर अपन बात करें एप्पल की, तो एप्पल में क्या हो गया? एप्पल। और एप्पल में क्या हो गया? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। इसी टाइप से अपन ने क्या देखा? कर्ड। ओके, और जो कर्ड है, कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। और आप जानते हो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो मिल्क से कर्ड में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स अपन ने देख लिए, काफ़ी सारे और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे लाइक टोमेटो की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो टोमेटो जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड, इनको इनको मतलब ऐसे इनका केमिकल फॉर्मूला भी होता है, जैसे एसिडिक एसिड का होता है CH3COOH। इन फॉर्मूलेज को आप क्या कहोगे? केमिकल फॉर्मूला। तो जितने भी अपने एसिड्स हैं उनका अपना केमिकल फॉर्मूला भी होता है। ओके, नाउ इसी टाइप से एंट की जो स्ट्रिंग होती है, एंट की जो स्ट्रिंग होती है उसमें कौन सा हो गया? एंट की स्ट्रिंग में कौन सा हो गया?
स्टिंग, क्योंकि देखो आपने ये देखा होगा कि जब आंट आपको काट लेती है तो आपको इचिंग होने लग जाती है, पैन होने लग जाता है आपकी स्किन में। तो किस वजह से होता है? क्योंकि इनकी जो स्टिंग होती है उनमें भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, और जो आप ये जब आपको काटते हैं तो वो एसिड यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, आपकी स्किन में वो एसिड डाल देते हैं, जिससे आपको क्या होता है वहाँ पे इचिंग होने लग जाती है और पैन होने लग जाता है। तो इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा हो गया, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसी एसिड की वजह से आपको पैन होने लग जाता है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें वॉस्प की, ठीक है, तो वॉस्प में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसकी वॉस्प की इसकी स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो अपना क्या हो गया, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ओके। और आप काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, और भी आप काफ़ी सारे, जैसे स्पिनच होता है उसमें भी देखो, एक तो अपन आप ये चीज़ देख रहे हो कि किसी में तो थोड़ा कम मतलब जिसका टेस्ट है कम खट्टा होता है, किसी का ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप इनको बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और एक मतलब देखो जो ज़्यादा खट्टा है, जिसका टेस्ट ज़्यादा शोर है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, शोर मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हो। किसी में कम खट्टा होता हो तो उसमें वीक एसिड होता है, तो इस तरह से आप इनको बोल सकते हो। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है, उनके बारे में भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपन किसको कहेंगे और वीक एसिड अपन किसको कहेंगे, ओके। सो ये तो अपने कुछ हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, ओके, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो गए, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल आप अपनी हाई क्लासेस में और ज़्यादा पढ़ोगे। और देखो ये जो भी एसिड्स हैं, इन सारे एसिड्स का, जैसे टार्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, इस तरह से केमिकल फॉर्मूला जो है वो सारे एसिड्स का होता है। ये तो इनका क्या हो गया, नॉर्मल नेम होता है, ठीक है। अब इनका केमिकल फॉर्मूला भी होता है, और अपन ने देखा कि आप किसको कहोगे एसिड, जो श्योर होगा, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट श्योर एंड एसिड एंड एसिडिक सबस्टेंसेस, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टाइप्स। अब अपन बात करेंगे कि जो एसिड्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, किस किस बेसिस पे अपन इनको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब अपन ने ये देखा, देखो आपने जैसे ये लिया, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड। आप यहाँ पे ये नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज क्या है, एक प्लांट पार्ट है, ये भी प्लांट पार्ट है, ये भी प्लांट पार्ट है, कर्ड भी क्या, ये कर्ड क्या हो गया, एनिमल पार्ट हो गया, टोमेटो प्लांट पार्ट है, आंट क्या हो गई, एनिमल हो गई, और ये भी क्या हो गया, एनिमल हो गया। तो इस तरह से जब आप इनको देख रहे हो तो आपने ये देखा कि सोर्सेज इनके क्या हैं। अब एसिड की अगर अपन बात करें तो एसिड क्या होता, आपने ये देखा कि इनके जो सोर्सेज हैं या तो प्लांट है या फिर एनिमल है, तो एक कैटेगरी तो अपने पास में ये हो गए। अब इनके अलावा अपन बना भी तो सकते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है। तो देखो अब अपन ने ये बोला कि ये अपने को सोर्सेज, ये इनके क्या हो गए, आप इनको बोल सकते हो ना कि ये जो आप देख रहे हो प्लांट और एनिमल्स, या फिर अदर अपन ने जैसे देखा कि आप लेबोरेटरीज में भी बना सकते हो इन एसिड्स को, तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये जो एसिड्स हैं आपके, इनके सोर्सेज क्या हो गए, या तो प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, या फिर लेबोरेटरीज में आप इनको बना सकते हो। तो अब आप ये बोल सकते हो कि इनके सोर्सेज के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी हैव इस, तो इनके सोर्सेज के बेसिस पे ही अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स, ओके। अब सोर्सेज अपन ने देखा, जैसे प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ओके। सो सोर्सेज के बेसिस पे अपन क्या करेंगे इन, सॉरी, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ओके, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ओके। तो इन एसिड्स को किस बेसिस पे अपन इनको डिवाइड करेंगे, सोर्सेज के बेसिस पे अपन इनको डिवाइड किया टू टाइप्स में, तो इनके ये क्या हो गए, टू टाइप्स। अब सोर्सेज के बेसिस पे अपन ने कैसे डिवाइड कर लिया इनको, सो दैट कौन कौन से एसिड अपने को, किससे अपने को गैन होते हैं, किससे आप ऑब्टेन करते हो, इस बेसिस पे अपन ने क्या किया, इन एसिड्स को डिवाइड कर लिया। तो एक आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक एसिड, ओके, एक जो एसिड है आपका वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड, और नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका क्या हो गया, मिनरल एसिड।
ओके, मिनरल एसिड। सो एज आई टोल्ड यू, अपन ने किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया, सोर्सेज के बेसिस पे एसिड्स को डिवाइड किया। तो जैसे ये अपने क्या हो गए, एसिड्स हो गए, इन एसिड्स को अपने सोर्सेज के बेसिस पे डिवाइड किया, देन वी कैन से दैट ऐसे एसिड जिनका सोर्स क्या हो, ऑर्गेनिक सोर्स हो। और ऑर्गेनिक की जब भी बात आती है तो आप समझ सकते हो नेचर से रिलेटेड, ओके, नेचुरली जो चीज़ अपने को मिलती है, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके होते हैं। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप किसको कहोगे, एनिमल एंड प्लांट, यही नेचुरल सब्सटेंस है, और इन्हीं को आप क्या कहोगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब अपन ने इनको नेचुरल सब्सटेंस क्यों कहा, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट एनिमल वी ऑल्सो गेट फ्रॉम नेचर एंड प्लांट ऑल्सो, ओके। सो एनिमल एंड प्लांट क्या हो गए, अपने सोर्स ऑफ एसिड्स हो गए। तो एक तो अपने पास में सोर्स हो गया एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। तो एनिमल एंड प्लांट जो अपने सोर्सेज ऑफ एसिड है, तो इस बेसिस पे अपन प्लांट एंड एनिमल्स को आप ऑर्गेनिक सोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या, ये क्या है, आपके नेचुरल सोर्स है, इट मीन्स दैट ये आपको नेचर से मिलते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, ऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज के बेसिस पे अपन ने क्या किया, एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स पे डिवाइड कर दिया, ओके। तो ये क्या हो गया, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि ये आपको क्या से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल के आपके नेचुरल है, नेचुरल सोर्स है। सो इस बेसिस पे अपन ने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिवाइड किया। और अभी तक अपन ने जो भी देखा था, लाइक अपन ने एक तो एनिमल से देखा, एनिमल से अपन ने देखा जैसे फॉर्मिक एसिड अपन ने देखा था, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो कर्ड से अपने को मिलता है, इसी टाइप से अपन ने क्या देखा था, पिक्रिक एसिड देखा था। तो ये क्या हो गए, एनिमल से मिलने वाले एसिड्स हो गए, और प्लांट से एसिड मिलने वाले भी अपन ने देखा था, लाइक सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक सिट्रिक एसिड हो गया अपना, मैलिक एसिड अपन ने देखा था, ठीक है, लाइक सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो एसिड है आपके, ये एसिड तो आपको कहाँ से मिलते हैं, इन प्लांट से मिलते हैं। और अगर अपन बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स की जो भी है अपने को, तो क्या हो गया, एक तो अपना क्या हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ओके, और अपना क्या हो गया, सॉरी एनिमल्स की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो लैक्टिक एसिड, ओके, लैक्टिक एसिड, और क्या हो गया आपका, पिक्रिक एसिड, ठीक है। टू एग्जाम्पल नंबर ने इसके लिए, टू एग्जाम्पल है प्लांट प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो भी अपने एसिड्स हैं, ये अपने क्या हो गए, ऑर्गेनिक एसिड। लेट मी टेल यू अगेन, ऑर्गेनिक एसिड अपन इनको क्या कहा, क्योंकि ये या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए इनको अपन ने ऑर्गेनिक एसिड्स कहा, क्योंकि इनका सोर्स क्या है, ये जो आप देख रहे हो प्लांट और एनिमल, ये क्या इनका सोर्स है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इन एसिड्स का जो सोर्स है वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स हो गए, इसीलिए अपन इनको क्या कहा, ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट वी हैव इज मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड को आप क्या करोगे, इसमें क्या करते हो, आप केमिकल्स का यूज करते हो। अब केमिकल्स का यूज करते हो तो आपको क्या करना होगा, लेबोरेटरी की नीड होगी, इसीलिए अपन क्या करेंगे, ये किसकी नीड होगी, अपने को लेबोरेटरी की नीड होगी। इट मीन्स मिनरल एसिड्स जो हैं उसमें आप केमिकल्स का यूज करते हो, और लेबोरेटरीज में इन एसिड्स को बनाया जाता है, ओके, लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, इसीलिए अपन इनको क्या कहा, मिनरल एसिड। और इनको आप क्या बोल सकते हो, सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हो, ओके, सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हो, और आप इनको मैन मेड एसिड भी बोल सकते हो। ये क्या हो सकते हैं, आपके मैन मेड एसिड भी हो सकते हो, ओके, वी कैन से दैट मिनरल एसिड, सिंथेटिक एसिड, मैन मेड एसिड। सिंथेटिक क्यों, क्योंकि ये अपने को नेचर से नहीं मिले, इसमें ये देखो मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए मिनरल एसिड हो गए। सिंथेटिक क्यों कहा, क्योंकि ये अब बनाए जाते हैं, और मैनमेड क्योंकि ये मैन के थ्रू बनाए जाते हैं, किसी भी प्लांट और एनिमल से आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सिंथेटिकली एसिड हो गए अपने। इन एसिड्स को अपन क्या कहेंगे, मिनरल एसिड। इसमें केमिकल्स का यूज़ करके बनाया जाता है, लाइक अगर अपन बात करें इसमें नाइट्रिक एसिड, ओके, HNO3, ये क्या हो गया आपका, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये कैसा एसिड आपका, किसका एग्जांपल है, मिनरल एसिड्स का। इसी टाइप से अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है,
सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने ले लिया, नाइट्रिक एसिड अपन ने ले लिया, ओके, फॉस्फोरिक एसिड अपना हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिडिक, अच्छा एसिडिक एसिड तो हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है या फिर अपनी जो बॉडी है ये क्या होती है, सिक्रेट करती है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब आप ये क्या होता है, काफ़ी डेंजरस होता है, आपकी जो स्टमक होता है स्टमक में ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सिक्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आपकी बॉडी में या फिर फूड के साथ में जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आप ले लेते हो, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं जो आप फूड के साथ में या फिर ब्रीथिंग के साथ में जब इन बैक्टीरियाज को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपनी बॉडी में सिक्रेट होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि ये अपने, अब आप समझ सकते हो कि जब ये इनको डिस्ट्रॉय करता है तो अपने को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, तो कैसे इसको समझेंगे कि इसी इसमें क्या होता है, इसमें एक कवर होता है, म्यूकस का कवर होता है और वो क्या करता है, इसको जो अपनी स्टमक की जो वॉल होता है उस तक इस एसिड को नहीं पहुंचने देता और अपनी बॉडी को इस एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये अपनी बात होगी केमिकल एसिड्स की। जितने भी केमिकल और सिंथेटिकली जो भी एसिड्स होते हैं जो बनाए जाते हैं फिर मैन मेड एसिड जिनको आप बोल सकते हो, ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं आपके, इट मीन्स ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपकी जो स्किन होती है उसको बर्न भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखो क्या बात की थी स्टार्टिंग में कि ये जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, श्योर होते हैं, ठीक है। तो अपने को कैसे पता चला श्योर हुआ टेस्ट का, तो आप टेस्ट करके ही पता करोगे, ठीक है। तो ये एसिड कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। अब आपने उनको तो जैसे आप एप्पल को टेस्ट कर सकते हो, स्पिनच को टेस्ट कर सकते हो, ओके, ऑरेंज को भी आप टेस्ट कर सकते हो, लेमन को भी आप टेस्ट कर सकते हो, बट क्या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या आप नाइट्रिक एसिड को टेस्ट कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली नो, इनको बिल्कुल आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हो कि ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं आपके लिए, आपकी स्किन को बर्न भी कर सकते हैं, ओके, आपको ये जला सकते हैं। सो दैट आपको क्या करना होगा, इनको जब भी आप हैंडल करो, जब भी आप इनको क्या करो, जब भी कोई भी आपको यूज़ करना हो किसी भी तरह से या फिर आपको यही टेस्ट करना हो कि ये एसिड कैसा एसिड है, तो आपको क्या करना होगा, काफ़ी केयरफुली इनको हैंडल करना होगा, ओके, यू विल हैव टू हैंडल केयरफुली, ठीक है। नाउ अब इनके कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ एसिड्स, फर्स्ट वी हैव सीन अबाउट ऑर्गेनिक एसिड एंड देन वी हैव सीन अबाउट मिनरल एसिड, ओके, अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव एक्वारेजिया, ओके, एक्वारेजिया, और ये जो एक्वारेजिया है ये क्या बनता है, एक तो नाइट्रिक एसिड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से बनता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनता है, ये एक्वारेजिया बनता है। अब क्या होता है कि ये जो एक्वारेजिया है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये क्या करता है कि जो आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, ओके, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं, इट मीन्स ये गोल्ड को भी क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, उनको वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को भी क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है इन, और इसीलिए इसको रॉयल रॉयल एसिड भी इसको कहा जाता है, ओके। सो नाउ आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इनफ फॉर टुडे, आर फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास। Thank you.